हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय संजीत सर। सो हमारा चैप्टर्स है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों की ठोस अवस्था, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1। पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, दुनिया की कोई भी वस्तु या ब्रह्मांड की कोई भी चीज जो कुछ जगह घेरे, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जिसका कुछ आयतन, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को दो अवस्थाओं में बटाई है, ठोस और तरल। ठोस के दो प्रकार हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तरल में द्रव और गैस है, ठीक है। ठोस किसे कहते हैं? जिसका वैसे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, उसे हम ठोस कहते हैं। जानते हैं ठोस, जैसे कुर्सी, टेबल, बेंच, ये सब ठोस है, ये सब ठोस है। ठोस के गुण, ठोस प्रायः असंपीड्य होते हैं, ठोस आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय जिसका मतलब हुआ कि हम उसे दबा सकते हैं। ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस में विसरित का गुण नहीं पाया जाता है, इसका मतलब कि बहाव का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। ठोस में जो कण होते हैं वह एक दूसरे से बहुत नजदीक, दम नजदीक होते हैं और मजबूत होते हैं। इनके बीच में, इनके दो कणों के बीच में कोई गैप नहीं होती है, उसे ठोस कहते हैं। देखिए, इनके बीच थोड़ा भी गैप नहीं है, सब भरा हुआ है, ठीक है। ठोस का वर्गीकरण, ठोस में अव्ययी कण तथा उसकी संरचना एवं व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस से क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, इसे एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसे ठोस जिनका अवयवी कण त्रिविमीय अवस्था में व्यवस्थित होकर, त्रिविमीय अवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित आकृति का निर्माण करती है, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। अवयवी कण, इसका मतलब अणु, परमाणु तथा आयन, त्रिविमीय अवस्था, इसका मतलब तीन को नहीं दिखाई देगा, जो भी है एक ही दिखाई देगा। तो जानते हैं क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस जिनका अवयवी कण निश्चित त्रिविमीय अवस्था में व्यवस्थित होकर एक निश्चित आकृति का निर्माण करता है, उसे ही क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे धातु, क्षार, गंधक, जैसे धातु, क्षार, गंधक, ग्रेफाइट इत्यादि। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनका अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होता है, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं।
क्रिस्टलीय ठोस के गुण। ये देखिए, ये सब क्रिस्टलीय ठोस है, इनका त्रिविमीय यही संरचना है। क्रिस्टलीय ठोस के गुण। क्रिस्टलीय ठोस का अवयवीकरण नियमित रूप से व्यवस्थित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमान एवं क्वथनांक निश्चित होता है। इनका द्रव्यमान एवं क्वथनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस असंपीड्य होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टल सतहों से घिरे होते हैं। फिर ये विषमदर्शी होते हैं। ये सब उनके गुण हैं और सारे गुण हैं जो आपको नोट्स में दिया जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस, इसे हम एमॉर्फस कहते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस जिनका अवयवीकरण अनियमित रूप से व्यवस्थित होकर निश्चित आकृति का निर्माण नहीं करती है, उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे मैं आपका हो गया रबर, जैसे मैं आपका हो गया रबर, स्टार्च, मक्खन और बहुत सारे होते हैं। ये देखिए कांच, ये अक्रिस्टलीय ठोस है जो अनियमित रूप से व्यवस्थित होकर इसकी निश्चित आकृति का निर्माण नहीं करते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण। अक्रिस्टलीय ठोस के द्रव्यमान जो होते हैं वो निश्चित होते हैं, लेकिन और इन्हें गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं। इसमें ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सब विद्युत के कुचालक होते हैं। और भी इनके गुण है, नोट्स में दिया जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस का जो अवयवी कण होते हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। फिर दूसरा, क्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमान जो होता है अस्पष्ट होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यमान अस्पष्ट नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुण विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान होते हैं। फिर है, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक एवं द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो क्योंकि इनके जो धन आयन और ऋण आयन जो है वह एक दूसरे से मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं जिससे उनमें कोई आयन चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, जबकि द्रव अवस्था में इनके आयन एक दूसरे के साथ चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए यह क्रिस्टलीय ठोस ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक एवं द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस या विद्युत का कुचालक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में जानते हैं।
क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण इनका वर्गीकरण अवयवी कणों ठोस के अवयवी कणों के प्रकृति एवं एक दूसरे के साथ बांध कर रखने वाले बलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। देख जानते हैं, पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है सहसंयोजक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस, और चौथा है आण्विक ठोस। ये चार इनके प्रकार है और इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए जानते हैं, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? आयनिक ठोस वैसे ठोस, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जो धन आयन और ऋण आयन के मिलने से बनता है, उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन है, इसका परिभाषा इसके नाम से ही है। वैसा ठोस जो धन आयन और ऋण आयन के मिलने से बनता है, उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे आयनिक ठोस में हो गया आपका NaCl, तो देखिए Na हो गया प्लस और Cl माइनस, तो धन आयन और ऋण आयन हो गया। तो धन आयन और ऋण आयन के मिलने से जो बनता है, जो ठोस बनता है, उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। फिर देखिए KNO3, K पर प्लस है, NO3 पर माइनस है, तो इन सभी दो से मिलने पर जो ठोस प्राप्त होता है धन आयन और ऋण आयन के मिलने से, उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। फिर देखते हैं धात्विक, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस जिनके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण करता है,
उसे हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे सिलिका SiO2, कोरंडम Al2O3। अब इसके एग्जाम्पल हैं हीरा, ग्रेफाइट, इत्यादि। ठीक है, फिर देखते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस किसे कहते हैं? वैसे ठोस चलिए फिर से देखते हैं धात्विक ठोस। धात्विक ठोस वैसे ठोस जो स्वतंत्र, वैसे ठोस जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एवं स्वतंत्र, वैसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस जैसे कि हो गया आपका पीतल, पीतल हो गया, पीतल जो है जस्ता और तांबा का मिश्रण है। जस्ता धातु है और तांबा भी धातु है, तो तांबा और धातु के मिश्रण वो सब तो धातु ही है, वही जो धातु से प्राप्त होता है उसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तांबा, मिश्र धातु, सभी धातुएं, स्टील, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब धात्विक ठोस के उदाहरण है और ये सब धातु है। ठीक है, अब आया आण्विक ठोस। आण्विक ठोस किसे कहते हैं? वैसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम आण्विक ठोस कहते हैं। वैसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम आण्विक ठोस कहते हैं। आण्विक ठोस यानी फिर अणु किसे कहते हैं? जो सूक्ष्म कण होती हैं उसी को हम लोग अणु बोलते हैं, और अणुओं से मिलकर जो बनता है उसे आण्विक ठोस कहते हैं। ये जो है I2, ये अणु है, और जो ये I है इसका जो सिंबल ये परमाणु है, ये अणु है और ये परमाणु है। तो अभी हम सब अणु को जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया H2O Cl2 इत्यादि। अब जानते हैं आण्विक ठोस के जो फर्स्ट में था उसे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के गुण देखते हैं। आयनिक ठोस विद्युत का, आयनिक ठोस में ग्रेफाइट छोड़कर ये विद्युत का
कुचालक होते हैं। आयनिक ठोस का द्रव्यमान एवं क्वथनांक निश्चित होता है और यह कठोर एवं भंगुर होते हैं। तीन तीन ही ठीक है इत्यादि। दूसरा का देखते हैं, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस के गुण। सहसंयोजक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं। इनके द्रव्यमान एवं क्वथनांक निम्न होता है। कठोर एवं भंगुर होते हैं, इनके द्रव्यमान एवं क्वथनांक निम्न होता है और यह एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि वैन डेर वाल्स बल द्वारा जुड़े। तीसरा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस के गुण। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के गतिमान के कारण इनमें चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है और यह विद्युत का सुचालक होते हैं। धात्विक ठोस में अघटवर्धनीय एवं तन्य होती है धात्विक ठोस, और इनका जो द्रव्यमानांक और क्वथनांक होता है वह निश्चित होता है। ठीक है, और गुण आप लोग को नोट्स में लिख कर दिया जाएगा, आप लोग उसी से तैयारी कीजिएगा। आइए आण्विक ठोस के गुण जानते हैं। चार नंबर आण्विक ठोस। आण्विक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं और इनका प्रायः द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। यह प्रायः वाष्पशील होते हैं और यह कमजोर आकर्षण बंध के द्वारा बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये सब इनके गुण थे और आगे देखते हैं। फिर देखते हैं आण्विक ठोस के प्रकार। आण्विक ठोस के तीन प्रकार होते हैं। पहला अध्रुवीय ठोस, नॉन पोलर सॉलिड। ठीक है, नॉन पोलर सॉलिड। दूसरा है ध्रुवीय ठोस। पोलर सॉलिड तीसरा है हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंध वाले वैसे आण्विक ठोस जो इलेक्ट्रॉनों को वैसे आण्विक ठोस जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ठोस का निर्माण होता है उसे हम लोग अध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं। जैसे
जैसे हो गया आप लोगों को Cl2, तो ये Cl2 Cl और Cl ये इसको देगा और ये इसको देगा, मिलकर Cl2। तो ऐसे ही साझेदारी होगी, इसी को अध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं, अध्रुवीय आण्विक ठोस। वैसे आण्विक ठोस जिनका अव्यवीकरण इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा कमजोर आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम अध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं। जैसे हो गया आपका Cl2H2N2ETC। देखिए ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आण्विक ठोस। वैसे ठोस जिनका आव्यवीकरण ध्रुवीय से प्राप्त होते हैं, वैसा ठोस जो ध्रुवीय से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग ध्रुवीय आण्विक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल H2O SO2 ETC, हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन वाले आण्विक ठोस किसे कहते हैं? वैसे ठोस जिनका अव्यवीकरण हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम हाइड्रोजन बंध वाले आण्विक ठोस कहते हैं। जैसे हो गया आपका NH3 HF, और भी बहुत सारे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब अगला वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।